please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अधिकारियों की लखनऊ में हुई बैठक, 50,000 फ्लैट देने में तेजी लाने के दिए निर्देश। नोएडा में 31 दिसंबर तक करीब 50,000 लोगों को फ्लैट देने की योजना तैयार की गई है। मंत्रियों ने इस मामले में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मंत्री समूह समिति के अध्यक्ष सुरेश खन्ना के अलावा सतीश महाना भी मौजूद थे। 2,000 से अधिक आयकर रिटर्न की होगी जाँच। आयकर विभाग ने नोटबंदी से पहले और उसके बाद आय में विसंगति को देखते हुए 20,572 आयकर रिटर्न को विस्तृत जाँच के लिए चुना है। विभाग ने ऐसे 1,00,000 मामलों की पहचान की है जिसमें कथित रूप से कर चोरी का ऊंचा जोखिम लगता है। जेपी और बीओपी के निदेशक पर केस होगा दर्ज। सेक्टर 128 स्थित जेपी समूह के प्रोजेक्ट जेपी आर्चर्ड में फ्लैट बुकिंग के नाम पर सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर की याचिका पर अदालत ने जेपी समूह के निदेशकों समेत ब्रोकर कंपनी बीओपी के मालिकों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन होम प्राइसेस गो डाउन बाई 5-10%। Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Singh Puri on Wednesday said that after demonetization, the real estate sector saw a drop in prices by up to 5-10%, according to data shared by Housing and Urban Ministry. 31 lakh fine for violating NGT norms. The Noida Authority conducted inspection across its 10 work circles and levied fine amounting to rupees 31 lakhs on allottees who failed to implement norms laid down by National Green Tribunal.